नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। शेरकोट के मोहल्ला नौंदना में स्थित मदरसा दारुल कुरान वसुना फातमा तोज जेहरा में खत्म बुखारी शरीफ के मौके पर इजलास का आयोजन किया गया। जलसे को खिताब करते हुए दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मौलाना मुनीरुद्दीन ने कहा कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर नबी पाक ने अपनी उम्मत के लिए फरमाया कि लोगों में तुम्हारे दरमियान कुरान में सुन्नत यह दो चीज छोड़कर जा रहा हूँ, इनके पाबंद रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि कुरान अल्लाह का कलम है जिसे अल्लाह ने अपने सिफत के साथ इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया, जो फना होने वाला नहीं है, अल्लाह की सिफत मिटाने वाली नहीं है और कुरान करीम के बाद बुखारी शरीफ सबसे मातबर किताब है। दोनों जहां में कामयाबी और जिंदगी को रास्ते करने के लिए दोनों के कामत पर अमल पूरा होना जरूरी है। मदरसे में हिप्स पूरा करने वाले बच्चों को नसीहत करते हुए कहा कि कुरान करीम और हदीस मुबारक का सिर्फ हासिल करना काफी नहीं है, बल्कि उसके एकामद पर अमल करते हुए जिंदगी के हर शब्बे में सुन्नत पर अमल करते हुए अपने आप को रास्ते करें तो जिंदगी में हासिल होगा राहत और रोशनी नसीब होगी। हाफिज कुरान से फारिग मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अरसियान, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद अल्तमस, मोहम्मद नबील, मोहम्मद शादमान, मोहम्मद अब्बास की दस्तार बंदी की गई। 16 लड़कियों ने दीनी तालीम हासिल कर मौलवियत की सनद प्राप्त की। शेरकोट से सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। आपका मौलाना तस्लीम अहमद कासमी। मौलाना साहब, ये जो आपके जलसे में प्रोग्राम था, क्या मामला है? 7 बच्चे हाफिज कुरान हुए और 16 बच्चियां हमारे हैं आलिमा बनी। ये जो हाफिज कुरान बच्चे हैं, इनकी दस्तार बंदी है, तो हजरत कहाँ से तशरीफ लाए थे? ये दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस हैं। नाम? मौलाना मुनीरुद्दीन साहब, उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद। और भी हजरात तशरीफ लाए थे, कहाँ से? कारी आफ्ताब साहब हैं जो शेखुल कुर्रा हैं दारुल उलूम देवबंद के, और हजरत मौलाना शफीक अहमद साहब अफजलगढ़ से तशरीफ लाए थे, मौलाना अखलाक साहब शहर काजी, मुफ्ती जकी साहब और मुफ्ती शाकिर साहब दिल्ली से तशरीफ लाए थे, और मौलाना अखलाक साहब जसपुर से तशरीफ लाए थे। आपके मदरसे का क्या नाम है मौलाना साहब? मदरसा दारुल कुरान फातिमतुज जहरा रहमत मस्जिद महल्ला नौंदना में शेरकोट। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।